जरूरी। नवाज शरीफ को 3 मरतबा हुआ, तो इतनी हाँ दो दफा हुआ गिराई गई, हाँ उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। हाँ आपने कहा कि उसको पकड़ते क्यों नहीं। वापस देखिए, एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अतर मिन्नला साहब ने उनको माफ़ी दे दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तौहीन अदालत के मुकदमे में पकड़ा जाए, क्योंकि ये जाहिर बहरहाल इसकी तौहीन तो हुई है, माफ़ी मिली है, तौहीन तो हुई है, और जज साहब मुझसे बेहतर जानते होंगे जिन्होंने बड़ा दिल किया। मैं नहीं चाहती कि इसकी इस किस्म के मुकदमे में इसकी पकड़ हो। इसके ऊपर बहुत संगीन किस्म के ना सिर्फ इल्ज़ामात हैं, बल्कि उन इल्ज़ामात के इतने बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं कि ये दुनिया, पाकिस्तान क्या ये दुनिया की किसी अदालत से नहीं बच सकता। फॉरेन फंडिंग केस आप ले लें, इस पर साबित हुआ कि इसने पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों से पैसा लिया, ना सिर्फ पैसा लिया, लाखों डॉलर लिए, उनको अपनी जेब में डाला, मुलाजमों के नाम पर वो मंगवाए, अपने जमात के अराकीन के नाम पर मंगवाए, और उसके बाद अपने दस्तखतों से मंगवाए, और कहे दस्तखत मुझे नहीं पता था मैं कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है जी, आप क्लास 4 में पढ़ते हैं, आपको पता नहीं चला कि किसने आपसे दस्तखत करा लिए, और उसके बाद आपने मिस डिक्लेरेशन की। सबसे सब केसेस का जो बाप है ना, हालांकि इसके सारे जरायम संगीन है, ये साइफर वाला जुर्म भी संगीन है, तोशाखाना जुर्म भी संगीन है, तौहीन वाला जुर्म भी संगीन है, लेकिन सब केसेस का बाप फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग केस को अगर आप देखें तो वो ये साइफर के साथ भी लिंक होता है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग पकड़कर, डॉलर पकड़कर आपने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन करना चाहते थे, और दुश्मनों ने खुद नहीं किया, इमरान के थ्रू किया, इस फितने के थ्रू किया, इसका काम ही फितना फैलाना है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा केस है फॉरेन फंडिंग का। तोशाखाना केस में आप आ जाएं, क्या इसने घड़ियां नहीं ली, क्या घड़ियां बेची नहीं, और आप ये देखें कि पहले घड़ियां बेच दी, उनका पैसा जेब में डाल लिया, उसके बाद कहीं जा डिक्लेयर भी नहीं किया, झूठ बोला उसके बारे में भी, तो कोई भी इसका मुकदमा आप उठा के देख ले, सियासी बुनियाद पर इसका कोई मुकदमा नहीं बना। सियासी बुनियादों पर इसको रिलीफ जरूर मिल रहा है, सजा नहीं मिली अभी तक। और अगर इस मुल्क में आईन और कानून नाम की चीज है, तो फिर कानून के जो हाथ हैं वो इसके गिरेबान से अब ज्यादा दूर नहीं, और मैं मेरी जिद्दोजहदी इस बात पर होगी कि इसको पकड़ा जाए, इसको भी पता चले कि यहाँ पर किस भाव बिकती है। जी मरीम साहबा, अब आपने अभी वीडियोस दिखाई हैं इमरान खान की, और ये इक्तदार से पहले की वीडियोस दिखाई।